राज्य के अंदर कानून व्यवस्था में कोई भी लापरवाही ना हो, इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर आए दिन कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और DGP की क्लास लगा दी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बहाली की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली में हो रही देरी पर नीतीश कुमार ने सख्त नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव आमिर सुभानी, गृह के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, बिहार सिपाही चयन पार्षद के अध्यक्ष पूर्व DGP SK सिंगल और DGP RS भट्टी को अपने अपने स्थान पर खड़ा रहने के लिए कहा है। इसके बाद CM ने इन लोगों से कहा कि आप लोग हमसे ये वादा कीजिए कि बहाली जल्द करा देंगे, देरी ना होने पाए। इसके बाद उन लोगों की तरफ से हामी भरने पर ही संबोधन को आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री शहर के BSP 5 परिसर स्थित मिथिलेश स्टेडियम में पुलिस सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे, जहां पर उन्होंने पुलिस में आधारभूत संरचना के समुचित विकास, अधिक से अधिक ट्रेनिंग और बहाली पर आमतौर से ध्यान देने के साथ ही चुस्त पुलिसिंग की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को ये कहा कि आप लोग ये वादा कीजिए कि पुलिस में बहाली जल्द कराइएगा। CM नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि थाने के लैंडलाइन फोन को ठीक रखिए, फोन पर बात कीजिए, तब पता चलेगा कि उन्हें थाने में रहना है या नहीं, लोग काम कर रहे हैं या नहीं, इसी से न पता चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अफसरों को कहा कि अच्छा काम करने पर लोग पुलिस की तारीफ करते हैं, कोई भी नेताओं की तारीफ नहीं करता, बल्कि पुलिस की तारीफ करते हैं। इसके अलावा CM ने पुलिस वालों को ये भरोसा भी दिलाया कि जब जरूरत रहेगी तो हम पुलिस की तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, बस आप लोग ठीक से काम करिए। असल में 90% लोग ठीक रहते हैं, कुछ लोग ही गड़बड़ करते हैं, लेकिन बदनाम सब होते हैं। इधर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने पुलिस विभाग के कर्मियों को ये कहा है कि सोशल मीडिया पर ड्यूटी से जुड़ी जानकारी या किसी तरह के हथियार, अपनी वर्दी समेत अन्य किसी तरह की जानकारी को सार्वजनिक ना करें। किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या डालना है क्या नहीं, इसका खासा ध्यान रखें। कुछ मामलों में इस तरह की जानकारियां सार्वजनिक होने से काफी समस्याएं हो रही है। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल के उपयोग से परहेज करें, इसे अपनी पॉकेट की हाजत में ही बंद रखें। आपको बताते चले कि पिछले दिनों IPS विकास वैभव के एक ट्वीट से बिहार पुलिस में भूचाल आ गई थी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के आचरण पर विकास वैभव ने ट्वीट कर अपना दर्द जनता से शेयर किया था, जिसके बाद अब राज्य के मुख्य सचिव ने इसे लेकर सीधे तौर पर यह कह डाला है कि अपनी नौकरी से जुड़ी किसी तरह की जानकारी को सार्वजनिक ना करें। तो मतलब साफ है कि CM नीतीश कुमार जो है वो बिहार में शासन व्यवस्था को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस वालों को कई चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्होंने फटकार भी लगाई है और उन्होंने साफ कहा है कि कुछ लोगों की वजह से पुलिस प्रशासन जो है वो बदनाम हो रहा है, ऐसे में आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि जल्द बहाली को लेकर भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द बहाली
कि जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाए। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की ड्यूटी से जुड़ी कोई जानकारियां साझा ना करें, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से फजीहत हुई है इसे लेकर अब पुलिस महकमे जो हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने ये हिदायत दे डाली है कि इस तरह की कोई भी जानकारियाँ जो हैं वो सोशल साइट पर ना डालें।